am Simranjit Kaur and I am from Haryana. I am going to Tver State Medical University. Hello, I am Sohil and I am from Delhi. Mera naam Pritam Barure. Hi, my name is Chanirban Bhoumik. I am going to Russia to study MBBS in Tver State Medical University. और मुझे रूस एडुकेशन ने बहुत हेल्प किया क्योंकि मेरा एक दोस्त पिछले साल भी गए थे तो मैंने उससे पूछा तू कैसे गया वो बोला तू रूस एडुकेशन से कांटेक्ट किया मैंने रूस एडुकेशन कोलकाता ब्रांच से कांटेक्ट किया वो लोग एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन इनविशन वीसा पासपोर्ट बहुत हेल्प किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भी एपोस्टाइल सब बहुत हेल्प किया और रूस एजुकेशन का हमारे एरिया में सेमिनार लगा था तो वहाँ पर जब हम गए वहाँ पर हमें काउंसलर्स मिले तो उन्होंने हमें रशिया के बारे में बताया कि वहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छी है थोड़ी नर्वसनेस और मिक्स्ड फीलिंग आ रही है पर एक मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही है एक नए कल्चर में नई सिटी में जाने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है पर पेरेंट्स को छोड़ने में थोड़ा मतलब वो भी लग रहा है बट अच्छा लग रहा है रूस एजुकेशन को आई थिंक सो जून में मेरी बात स्टार्ट हुई थी और मुझे रूस एजुकेशन के बारे में मेरे फ्रेंड से पता चल गया था जो लास्ट ईयर गया है रशिया के लिए उसकी यूनिवर्सिटी पर्म यूनिवर्सिटी थी सो आई वाज कंफ्यूज्ड कि कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है नहीं लेनी है फिर अपर्णा मैम से बात की अपर्णा मैम ने थोड़ा सा अच्छे से गाइड किया मुझे उन्होंने कहा कि मतलब यूनिवर्सिटी तो सभी अच्छे हैं लेकिन कौन सी लेनी चाहिए फिर भी मतलब मैं नियरली अबाउट डेढ़ महीना कंफ्यूज था कि मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है रूस तवेर लेनी है पर्म लेनी है या और कुछ फिर मैम से एक बार पापा ने बात की फिर अंकल ने बात की सब मिलकर फिर सोचेंगे फिर फाइनली त्वेर को सिलेक्ट किया था हमने और फिर फीस प्रोसीजर चालू कर दी हर बार जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आई है हमें वहाँ पर अपना मैम मतलब रूस एजुकेशन ने हेल्प किए रूस एजुकेशन ने हमारी सारी प्रोसेसेस की है एक बार रूस एजुकेशन से कॉन्टेक्ट करने के बाद हमारी कोई भी हेडेक नहीं रहती मतलब हमारी डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा प्रोसेसिंग सारा कुछ जो है वो रूस एजुकेशन ही वो करती है मतलब कंडक्ट करती है एंड रूस एजुकेशन के एंड आई एम गोइंग टू तवेर यूनिवर्सिटी एंड रूस एजुकेशन के बारे में मुझे नेट से पता चला एंड फिर वहाँ पे मैंने देखा कि उनके सेमिनार्स जो होते हैं दिल्ली में भी होते हैं तो मेरे पेरेंट्स गए थे सेमिनार में और उनके साथ मेरी बड़ी बहन गई थी तो उन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया ओरेनबर्ग पम तवेर बट मुझे तवेर ज़्यादा अच्छी लगी मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की एंड उनके स्टाफ्स और काउंसलर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं काफ़ी मतलब अच्छे से आपको सब कुछ बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप भी रूस एजुकेशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं रशिया और वो बेस्ट है और मैं 2 साल से इंडिया में नीट दे रहा था तो मुझे अच्छे से कोई कॉलेज भी नहीं मिला था गवर्नमेंट कॉलेज तो मैंने सोचा तो बाहर ही MBBS कर लूँ क्योंकि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक PG कॉलेज है और जो जिस कॉलेज का PG बहुत अच्छा होता है उसका UG भी और भी बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं सबको रिकमेंडेड करता हूँ जो भी यहाँ पर 2 या 3 साल से दे रहा है वो रशिया जाकर MBBS कर सकता है और मेरा तो अच्छा है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है सो थैंक यू आपको रशिया जा रहे हो डॉक्टर बनने और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार मतलब इंडिया से बाहर जा रहा हूँ इसके पहले कभी नहीं जा रहा हूँ तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा एक्साइटमेंट भी बहुत हो वापस आके क्या करने का इरादा वापस जाकर पहले तो इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन हो तो लेना है उसके बाद PG भी लेना है क्योंकि मेरा पापा खुद ही डॉक्टर है तो उन्होंने बोला रिकमेंडेड किया तो बाहर जाकर पढ़ भी सकते हैं क्योंकि इंडिया का रशिया का भी बहुत फ़र्क होता है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के इंडिया के ज़्यादा भी रशिया का बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं रशिया जाकर MBBS करना चाहता हूँ तो मेरा रूस एडुकेशन ने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया और जाकर तो और भी पूरा हो जाएगा जिगर के टुकड़े को भेज रहे हैं थोड़ा संकोच होगा जाने बाकी थोड़ा खुशी हो रही कि बच्चे थोड़ा बाहर पढ़ने जा रहे हैं अच्छा भी लग रहा है थोड़ा दुख भी लग रहा है हाँ जी मैं रूस एजुकेशन को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगी हर बार जब भी यूनिवर्सिटी का जो भी डाउट्स थे मतलब हॉस्टल फैसिलिटी फी स्ट्रक्चर फिर लोन के लिए जो अप्लाई करना था हर वक्त मैम ने हेल्प की हाँ बीच बीच में लोन की वजह से थोड़ा सा डर तो गया था शायद कि मतलब लोन सैंक्शन हो गया नहीं ऐसा थोड़ा सा डर लग रहा था मैम ने उस टाइम भी मुझे डिस्करेज नहीं होने दिया थोड़ा सा हिम्मत दी मेरे पेरेंट्स से बात की अच्छे से मतलब कि हर स्टेज पे हर लेवल हर जगह मैम ने एक अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड की मुझे कि मतलब कि एक फ्रेंडली नेचर मतलब कि टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं मिली मुझे अभी नियरली अबाउट 4 मंथ्स हो गए जून से हाँ 4 मंथ्स हो गए बात करते हुए रूस एजुकेशन से लेकिन ऐसा एक मोमेंट भी नहीं मिला मुझे कि मतलब ऐसा कुछ
पॉइंट आउट निकाल सकूं कि मतलब वहाँ यहाँ पे अपना मैम या रूस एजुकेशन ने गलती की है। हर वक्त एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब जो भी डाउट लेके जाओ या जो भी क्वेश्चन लेके जाए, जो भी क्वेश्चन या जो भी डाउट हो वो मैं आज तक तो क्लियर हुआ है। और आई विल रिकमेंड टू माई फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर जो मेरे कॉलेज में जाए, जो मेरी होम टाउन से या कॉलेज मेरे फ्रेंड्स है या मेरे कॉलेज मेट्स है, मेरे जूनियर्स है, उन सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि जाना है तो रूस एजुकेशन थ्रू जाए। और अच्छी बात है, मतलब कि एक अगर फ्रेंडली नेचर और फैमिली बैकग्राउंड जैसा कुछ मिलता है तो कौन नहीं चाहेगा कि वहाँ से जाए, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा रूस एजुकेशन को। और सबसे बात करूँगा, और अभी आगे जाके क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी कुछ ज़रूरत मिलेगी या मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी तो मुझे 100% ये कन्फर्म है कि रूस एजुकेशन मेरे साथ रहेगा एज ए फैमिली।